नमस्ते अरमान और लक्ष्मी, वेबजीफाई इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। हम आज की क्लासेस में सीख रहे हैं स्मार्ट फोटोशॉप कोर्स। तो हमें स्मार्ट फोटोशॉप कोर्स फोटोशॉप में जाके किस तरीके से हमें स्मार्ट टूल यूज करने, तो हम अभी तक सीखा था क्रिएट न्यू और उसके बाद में तीन हमने स्टार्टिंग टूल सीखे थे। अब वो प्रोसेस कैसे करते हैं वो हम देख रहे हैं। तो मैं एक क्रिएट कर लेता हूँ कैनवास। कैनवास क्रिएट करने के बाद में हम अभी सीख रहे थे इसके अंदर एक स्पेसिफिक एरिया को सेंटर करना। आज इस क्लास में हम सीखने वाले हैं कि स्पेसिफिक कोई आर्टवर्क है या लोगो है, उसे हम हमें कैसे यहाँ पे है ना सेंटर्ड करना है, रिसाइज करना है, कैसे उसमें एडजस्टमेंट करना है। तो एग्जांपल के लिए मैं एक लोगो ले लेता हूँ इसके अंदर। तो हम आ जाते हैं हमारे आईएसओ लोगो, ठीक है। इस लोगो को हम कर लेते हैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट। तो हमने कर दिया, ड्रॉप कर दिया यहाँ पे। ड्रॉप करने के बाद में हमारे पास प्लेस हो जाएगा हमारी फ्रेम साइज में। फिर हमारी चॉइस है हमें इसको क्या साइज में रखना है, ठीक है। तो आप कॉर्नर पकड़ेंगे। कॉर्नर पकड़ने के बाद हमने कल सीखा था कि कॉर्नर पकड़ने से ये सारे कॉर्नर से एक जैसे साइज में छोटा हो जाता है। इस कॉर्नर से पकड़ेंगे तो इस साइड पे छोटा हो जाएगा और इस कॉर्नर से पकड़ेंगे तो इस साइज पे छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो जिस भी कॉर्नर से पकड़ेंगे आप छोटा उतना ही होगा वो, ठीक है। फिर हम इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करके कहीं भी मूव कर सकते हैं। जब मूव कर दिया तो हम सेंटर पार्ट में इसको लेके आएंगे। सेंटर में आ गया, यहाँ पे लाइन बता रहा है। अब कुछ फोटोशॉप के अंदर ये अलाइनमेंट ऑटोमेटिक देता है, जैसे एनिमेशन आ रहा है यहाँ पे, लाइन आ रही है पिंक कलर की। और कुछ जो फोटोशॉप होते हैं जैसे विंडोज, उसमें वो अलाइनमेंट नहीं देता है। तो हम एग्जैक्टली पता नहीं कर सकते इसको सेंटर्ड कैसे करें। तो जैसे मैंने इसको एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे सेंटर कर दिया है, लेकिन वो एग्जैक्टली सेंटर्ड नहीं है। तो हम इसको करेंगे एंटर, हमारे कीबोर्ड से एंटर करके प्लेस करेंगे। अब इसे हमको बिल्कुल सेंटर्ड करना है फ्रेम में। हमारी जो फ्रेम है ये 1000 बाय 1000 की, इसके सेंटर्ड में हो। तो हम हमारे कीबोर्ड से कंट्रोल ए करके प्रेस करेंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पे सिलेक्शन टूल कॉर्नर पे एक सिलेक्शन टूल एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। मैं वापस इसे छोटा कर देता हूँ फिट टू फ्रेम। अब हमें करना है इसे सेंटर्ड में। सेंटर करने के लिए देखिए, फर्स्ट में हमारा है सिलेक्शन टूल। जैसे ही हम टूल पे जाते हैं मूव टूल के ऊपर, तो हमारी मूव टूल के ऊपर आप टॉप पे देख रहे हैं ये एक्टिव हो जाती है बार। अब इसके अंदर हमारे पास अलग अलग ऑप्शन है। मुझे इसको करना है अगर राइट में लेफ्ट में तो लेफ्ट में हो जाएगा ये, राइट में करना है तो लेफ्ट लेफ्ट में सॉरी राइट में चला गया। उसके बाद सेंटर करना है तो सेंटर। तो अभी ये राइट और लेफ्ट में से सेंटर्ड हो गया है, लेकिन टॉप और बॉटम से सेंटर्ड नहीं हुआ है। तो टॉप और बॉटम में सेंटर करने के लिए क्या क्या ऑप्शन है। टॉप करेंगे तो टॉप हो गया, उसके बाद मैं बॉटम करूंगा तो बॉटम हो गया, सेंटर करूंगा तो सेंटर हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, हमारी स्क्रीन के बिल्कुल सेंटर्ड में हो गया। अब कंट्रोल डी करेंगे तो ये डी जो सिलेक्शन टूल है वो सिलेक्शन टूल चला जाएगा। डी कर दिया, सेंटर्ड हो गया। अब क्या हुआ, हमारा सेंटर तो कर दिया है लेकिन अब मुझे लग रहा है कि ये बहुत छोटा है, मुझे बड़े साइज चाहिए। तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल टी करेंगे। कंट्रोल टी करके एक कॉर्नर से इसको बड़ा करेंगे। जब हम कॉर्नर से बड़ा कर रहे हैं, उसके बाद एंटर दबा के हमने उसको डिसलेक्ट कर लिया। तो अभी क्या हुआ, ये सेंटर्ड में नहीं है, अब ये टॉप के कॉर्नर पे बाहर चला गया, राइट। तो इसके लिए दो तरीके हम उसको सेंटर्ड में वापस ला सकते हैं बड़ी साइज करने के बाद। पहला तरीका सेम जो अभी हमने सीखा, कंट्रोल ए करेंगे। ए करने के बाद में राइट लेफ्ट और सेंटर का टूल है तो हम उसे सेंटर कर देंगे। तो ये क्या, राइट लेफ्ट से सेंटर हो गया। अब टॉप और बॉटम से सेंटर्ड नहीं हुआ है। तो हम इसमें देखेंगे टॉप बॉटम और सेंटर्ड, ये वाला एरिया है टॉप में जो टूल बार आ रही है। जैसे अलाइनमेंट में सेंटर करूंगा ये स्क्रीन के सेंटर में आ गया। अब कंट्रोल डी करेंगे, एक तरीका तो हो गया ये सेंटर में लाने का। अब मैं इसको करता हूँ कंट्रोल जेड। जब जेड करूंगा तो ये वापस कहाँ आ जाएगा, जहां पे पोजीशन में हमने इसको बड़ा किया था। तो इसको क्या तरीका है, जैसे ये ना मैंने एक और कंट्रोल जेड किया, कंट्रोल डी कंट्रोल जेड, तो हम इसको एक बार सेंटर कर देते पूरा। सेंटर कर लिया, अब ये हमारे पास बिल्कुल स्क्रीन में सेंटर में आ गया। अब वापस से मैं कंट्रोल टी क्लिक करके अगर इसको बड़ा करूंगा मैं, तो फिर से वही प्रॉब्लम होगी कि ये वापस एक तरफ चला गया। फिर से हमें कंट्रोल ए करना पड़ेगा हमारे कीबोर्ड से, उसके बाद में फिर सेंटर अलाइनमेंट करना पड़ेगा। लेकिन एस्केप कर देता हूँ अभी सेंटर में। अब हमको यहीं पे चारों दिशाओं में बड़ा हो और हमें बार बार सेंटर नहीं करना पड़े, उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल टी करना पड़ेगा। जैसे ही कंट्रोल टी करेंगे तो अभी ये क्या सेंटर्ड है, हमने ऑलरेडी सेंटर कर दिया था। अब हमें बड़ा करना है कि चारों तरफ से, चारों जो भी इसके कॉर्नर है, जैसे ये एक कॉर्नर है, दूसरा कॉर्नर है, तीसरा, चौथा, इन सारे कॉर्नर से इसी जगह पे ये बड़ा हो जाए। उसके लिए हम क्या करेंगे, सिलेक्शन टूल जो है हमारा उसको सेलेक्ट करेंगे। फिर हम कंट्रोल टी करेंगे। कंट्रोल टी करने पे ऊपर एक टूल बार आएगी जहां पे देखो लिखा हुआ है एक जगह पे डब्ल्यू, एक जगह पे लिखा हुआ है एच। डब्ल्यू और एच का मतलब क्या होता है, विड्थ। डब्ल्यू का मतलब, एच का मतलब हाइट, मतलब हमको हाइट और विड्थ दोनों को साथ में बड़ा करना है इसका। तो उसको हम क्या करेंगे, बीच में देखो एक क्लब करने का, मर्ज करने का ऑप्शन आ रहा है, छोटा सा बटन आ रहा है,
जैसे ही हम इसको क्लिक करेंगे तो देखो आप वो सेलेक्ट हो गया। अभी डिसलेक्ट करेंगे तो देखो वो नॉर्मल आ रहा है। जैसे ही सेलेक्ट करेंगे तो वहां पे एक डार्क कलर का बॉक्स बना है, ये मैंने सेलेक्ट किया तो देखो वो सेलेक्ट हो गया। अब वापस डिसलेक्ट करूंगा, एक बार वापस क्लिक करूंगा तो वो डिसलेक्ट हो गया। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने से क्या होगा, विड्थ और हाइट दोनों चीज मर्ज हो गई है एक साथ में। अब कुछ भी चीज बढ़ाएंगे तो वो एक साथ बढ़ेगी। मैं एग्जाम्पल के लिए दिखाता हूँ, विड्थ है, विड्थ को मैं जब अभी मैंने इसको सेलेक्ट नहीं किया हुआ है, मर्ज नहीं किया हुआ है, तो मैं जैसे ही इसको बढ़ाऊंगा देखो क्या हो रहा है, वो उसकी सिर्फ हाइट बढ़ रही है, उसकी विड्थ नहीं बढ़ रही है। लेकिन मैं जब विड्थ पे आ जाऊंगा, यहाँ पे आके मैं जैसे ही इसको बढ़ाऊंगा तो अब क्या बढ़ रहे है, सिर्फ विड्थ बढ़ रही है, हाइट नहीं बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि वो मर्ज नहीं है बीच में से। तो मैं इसको एस्केप दबाता हूँ, फिर से सेम साइज हो गया वापस। अब कंट्रोल टी करता हूँ। अब कंट्रोल टी करने के बाद हमको क्या करना है, विड्थ और हाइट को करना है मर्ज। तो जैसे हम इसमें मर्ज पे क्लिक करेंगे उसके बाद में हम इसकी साइज को कहीं भी, आप विड्थ में चले जाओ या हाइट में चले जाओ, जैसे ही आप आपकी जो कीबोर्ड है इसके अंदर अप और डाउन की है, ठीक है, इसको अप से करोगे तो देखो आप 43 हो रहा है। जब हम हाइट में बढ़ा रहे हैं ऊपर देखो तो विड्थ में भी वो परसेंटेज बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या है, दोनों साइड हाइट और विड्थ दोनों को एक साथ इंक्रीज कर रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको इंक्रीज कर रहे हैं। जब वो ऊपर वाली हम की दबाएंगे, इसमें जो हमारे पास चार बटन होते हैं हमारे कीबोर्ड में, एक होता है आपका की, एक होता है डाउन, एक होता है राइट और एक लेफ्ट। तो हमें अप और डाउन यूज करनी है इसमें। जैसे ही मैं अप में यूज कर रहा हूँ तो उसकी हाइट बढ़ती जा रही है, इंक्रीज हो रही है क्योंकि परसेंटेज बढ़ते जा रहे हैं। जैसे ही मैं डाउन की दबाऊंगा तो क्या होगा, इसकी साइज डाउन होती जाएगी, कम होती जाएगी परसेंटेज। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको इंक्रीज और डिक्रीज कर रहे हैं। इसको मैं दबा के रख लूंगा तो देखो एकदम से छोटा हो गया। इसी को टॉप को मैं दबा के रखूंगा एरो को तो ये देखो बड़ा होता जा रहा है। अब ये हो गया कीबोर्ड से, अब यही चीज करनी है हमें माउस से। तो हम माउस से कैसे करेंगे, कंट्रोल टी दबाया, कंट्रोल टी दबाने के बाद में हम इसे मर्ज करेंगे। मर्ज करेंगे करने के बाद दो तरीके की ऑप्शन है जिससे इसको साइज इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है, यहां से अगर हम वापस करेंगे तो वो ही सिस्टम चलेगा जो एक कॉर्नर से शुरू हो रहा था। ठीक है, हमारे पास दूसरा तरीका क्या है, कंट्रोल टी करेंगे, मर्ज करेंगे। मर्ज करते देखो विड्थ के पास ले जाओगे आप तो एक हैंड बना हुआ आएगा और दो एरो बने आएंगे राइट लेफ्ट में, आप यहाँ पे पास में देख रहे हो तो, है ना। लेकिन हम दूसरी साइड पे बाहर ले जाएंगे तो सिंपल एरो आ रहा है, लेकिन W लिखा है वहां पे ले जाते हैं या फिर H लिखा है वहां पे ले जाते हैं, एक हैंड बना हुआ आएगा और उसके दोनों साइड पे दो एरो बने हुए आ रहे हैं छोटे छोटे, है ना। ये क्या काम करते हैं, ये भी वही काम करते हैं जो आप यहाँ पे क्लिक करने के बाद में इंक्रीज कर रहे हैं या डिक्रीज कर रहे हो साइज, मतलब बढ़ा रहे हो साइज को, बड़ा कर रहे हो या छोटा कर रहे हो, ये काम करेगा यहीं पे। जैसे ये हैंड बना हुआ आएगा आप यहाँ पे आपके कर्सर को क्लिक करोगे लेफ्ट कर, इसका माउस से लेफ्ट से जैसे क्रीज करके आप ये करोगे ये देखो बड़ा होना शुरू हो गया। यहाँ से वापस नीचे ले जाओगे, वो हैंड बना हुआ होना चाहिए जो ऊपर व्हाइट हैंड आ रहा है, ठीक है, उसको डिक्रीज करोगे छोटा हो गया। ये दोनों चीज आप भले विड्थ पे रखो या हाइट पे, कहीं भी रखोगे दोनों पे सेम काम करेगी। सेम काम क्यों करेगी, जब आपने इसको मर्ज किया हुआ होगा अलाइनमेंट को, ठीक है। अब मैं विड्थ पे भी ले जाता हूँ तो देखो सेम काम कर रही है, बड़ा होने का छोटा होने का। तो ये टूल क्या काम कर रहा है, ये आपका कोई भी डिजाइन है या कोई भी चीज है जिसको आपने सेलेक्ट किया हुआ है उसको सारे कॉर्नर से बड़ा और छोटा करने का काम कर रहा है, मतलब उसकी हाइट और विड्थ को एक साथ बड़ा और छोटा करने का काम कर रहा है। तो ये क्यों करते हैं हम लोग, इसलिए करते हैं ताकि अगर हम इसको यूज नहीं करेंगे, कंट्रोल टी करेंगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, कॉर्नर से पकड़ा इसको बड़ा किया, फिर हमने वापस डिसलेक्ट किया, उसके बाद कंट्रोल ए दबाएंगे, फिर हमें बार बार इसका अलाइनमेंट सेट करना पड़ेगा। जब ये प्रोसेस हम बार बार करेंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा। उसके लिए शॉर्टकट क्या है, शॉर्टकट ये कंट्रोल टी करो, ऊपर से आप विड्थ और हाइट को मर्ज करो। विड्थ और हाइट का ये ऑप्शन तभी आएगा आपके पास जब आप ऊपर से मूव टूल जो है इसको आप क्लिक करके रखोगे। आपका कोई भी दूसरा टूल यूज है तो उसकी टूल बार आएगी, ना कि इसकी टूल बार आएगी। तो हमें क्या करना है, पहले टूल बार को सेलेक्ट करना है, इसको मूव टूल को, फिर कंट्रोल टी करना है। जब कंट्रोल टी करेंगे तभी हमारे पास विड्थ हाइट की ये टूल बार आएगी, इसको हमें मर्ज करना है। फिर यहां से हम इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं, ठीक है, और दूसरा छोटा बड़ा कर सकते हैं हम यहाँ पे क्लिक करके हमारी कीबोर्ड की मदद से अप और डाउन की से, तो इससे हम इसे बड़ा छोटा करते हैं। ठीक है, ये चीज हमने सीख ली। अब इसके बाद क्या है, इसी जो सेंटर्ड पॉइंट है जहां पे हमने अभी हमारे किसी आर्टवर्क या डिजाइन को, लोगों को हमने सेंटर्ड में किया हुआ है, अब इसे हमें करना है मूव 360 डिग्री में। तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल टी, अब इसको मूव कैसे करेंगे, हम घुमाना है इसे, तो कल हमने सीखा था कल की क्लासेस में, इसे मूव कैसे किया जाएगा, इसको मुझे राउंड में घुमाना है तो कैसे करेंगे हम, ये जो फ्रेम साइज है इसके बाहर जब हम कर्सर ले जाएंगे, ठीक
तो हमारे पास ये एरो आ जाएगा ब्लैक कलर का, जिसमें बैंड में दो एरो बने आ रहे हैं। जब हम कहीं भी किसी भी डायरेक्शन में ले जाएंगे, एरो चेंज हो रहा है लेकिन वो काम एक ही करेगा। क्या काम करेगा? इसको मूव करने का, 360 डिग्री, आपको क्लॉकवाइज या 360 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज उसको घुमाने का काम करेगा। अभी मैंने कहां से क्लिक किया था? मैंने क्लिक किया था टॉप से। अभी मैं इसको बॉटम से ले आता हूं, बॉटम से भी करोगे तब भी वो ही काम करेगा। तो किसी भी एंगल से आप लेके जाओगे वो काम करेगा, इसको मूव कर देगा। या तो क्लॉकवाइज घुमाओगे या एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मतलब घड़ी कैसे घूमती है, क्लॉकवाइज। और एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की सुई को उल्टी दिशा में घुमाया जाए। तो उस तरीके से घुमाने के लिए आपको जब यहां पे लेके आओगे तो ये मूव करेगा, अंदर होगा, जितना सिलेक्शन एरिया है इसमें रखोगे तो मूव करेगा ये। लेकिन इससे जैसे ही आप बाहर ले जाओगे तो ये करेगा इसको 360 डिग्री पे मूव। तो ये दोनों चीज अलग अलग काम करेगी। फिर और क्या कर्सर आता है, कॉर्नर पे ले जाओगे तो देखो कौन सा कर्सर आ रहा है, इसमें चेंज हो गया। ये क्या कर रहा है, इसकी साइज को कम ज्यादा कर रहा है। तो एक ही चीज कंट्रोल टी करने पे जब सिलेक्शन करते हैं, अलग अलग जगह पे अलग अलग काम करते हैं उसका कर्सर। ठीक है, तो तीन तरीके से काम कर रहा है। एक कर रहा है सेंटर में, कहीं भी ले जाओगे तो राइट लेफ्ट करने का काम, कहीं भी मूव करने का। कॉर्नर पे कहीं पे आप इसको पकड़ के उसके बाद माउस से अगर छोटा बड़ा करोगे तो ये क्या कर रहा है, इसको साइज इंक्रीज और डिक्रीज करने का। तीसरा क्या काम कर रहा है, ये आउटसाइड फ्रेम पे ले जाओगे तो इसको रोटेट कर रहा है 360 डिग्री पे, एंटी क्लॉक और क्लॉकवाइज। तो हमने क्या सीखा इसके अंदर, कि हमें पहले तो जो भी हमारा आइकन है या फिर लोगो है उसे हमको सेंटर्ड में कैसे लेके आना है। सेंटर्ड में लाने के बाद में सेंटर्ड आ गया तो अगर उसको किसी डिग्री एंगल पे घुमाना है तो घुमाना कैसे, ठीक है। उसके बाद में अगर सेंटर्ड हो गया है तो उसे हमें बड़ा छोटा कैसे करना है, विड्थ और हाइट को मर्ज करके, ठीक है। तो हमने क्या क्या चीज सीख लिया, ये सारा प्रोसेस में सीखा है कि फोटोशॉप का कोई भी चीज काम कैसे करती है। अब ये सारा काम कैसे करेगी, यहाँ पे मेरे पास लेयर्स आ रही है, आप इधर राइट साइड स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, तो एक बैकग्राउंड लेयर है, एक आ रही इमेज लेयर। तो बैकग्राउंड लेयर को जब आप सेलेक्ट कर लोगे, फिर आप कंट्रोल टी कर लोगे, तो आपका ये आर्टवर्क सेलेक्ट नहीं होगा, तब क्या सेलेक्ट होगा, आपका बैकग्राउंड, इसको आप घुमा रहे हो। तो जिस लेयर को आप सेलेक्ट करोगे उसी लेयर पे वो काम होगा, क्लियर। जब तक आप उस लेयर को यहाँ पे जाके सेलेक्ट नहीं करोगे तब तक वो सेलेक्ट नहीं होगी। अब आप सोचोगे यहाँ पे कंट्रोल टी कर रखा है, इस लेयर से मैं इस पे क्लिक कर लूं, तो वो डीसेलेक्ट होगा पहले, फिर इस लेयर को सेलेक्ट करेगा, फिर वापस से इसको वापस सेलेक्ट करना है तो कंट्रोल टी करना पड़ेगा, या फिर क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल ए। कंट्रोल ए करेंगे तो पूरी फ्रेम जो है वो सेलेक्ट हो जाएगी, कंट्रोल डी से डीसेलेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने क्या क्या कवर किया है, कोई भी डिजाइन है उसे हम यहाँ पे प्लेस कैसे करेंगे, प्लेस कैसे करनी है हमें, दो तरीके। एक तरीका है ड्रैग एंड ड्रॉप, जैसे मैं आईएसओ वाला है, ठीक है, मैं इसको कंट्रोल जेड कर लेता हूँ, ठीक है। अभी मैं ये वाला जो आर्टवर्क है इसे हटा देता हूँ लोगों को, अब मैं एक दूसरा आर्टवर्क है। तो दो तरीका है, कभी भी आपके कंप्यूटर में से आपको किसी भी चीज को प्लेस करना है। प्लेस करना मतलब आपका जो कैनवास है उसके ऊपर किसी भी आर्टवर्क को लेके आना। तो उसके दो तरीका है, एक तरीका है यहां से आप ड्रैग करो, मतलब उसको पकड़ो आपकी लेफ्ट की यूज करके माउस की, और अल्टर और टैब बटन यूज करोगे तो आपको वापस फोटोशॉप का ऑप्शन आएगा, यहाँ छोड़ोगे तो फोटोशॉप पे आ गए, यहाँ पे आके आपको ड्रॉप करना है। तो हमने क्या किया, वहां से ड्रैग किया और यहाँ पे हमने ड्रॉप किया, ठीक है। अभी ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं हुआ तो फिर से हम ट्राई करेंगे, ये ड्रैग किया और ड्रॉप किया, ड्रॉप करने के बाद क्या, सेलेक्ट एंटर दबाया तो क्या हो गया, डिसलेक्ट हो गया। अब ये तरीका एक तो हो गया ड्रैग एंड ड्रॉप का, ड्रैग एंड ड्रॉप का अगर आपके काम नहीं कर रहा है तो दूसरा तरीका क्या है, यहाँ पे लाने का, फाइल में जाओगे, फाइल में जाने के बाद में यहाँ पे आएगा प्लेस का ऑप्शन, इसमें ये रहा प्लेस अमेंडमेंट, मेरे इस वाले में नहीं आ रहा है, लेकिन आप विंडोज में जाओगे तो यहाँ पे देखो, आप फाइल में जाओगे यहाँ पे लिखा होगा प्लेस, जैसे ही प्लेस पे आप क्लिक करोगे जो भी डिजाइन है जहां पे भी जो भी फाइल पड़ी है उसको आप यहाँ से इसके अंदर लेके आ सकते हो, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल के लिए हमारे डॉक्यूमेंट्स में काम ना कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स खोल लेता हूँ, इसमें एक फाइल खोल ली, इसमें जैसे अभी कोई इमेज की पड़ी हुई है इसलिए अपलोड नहीं हो रही है, तो इसमें जैसे ही हम, एक तो ओपन का तरीका है कि ओपन कर सकते हैं नई फाइल में, जैसे ओपन में गए, मैं यहाँ पे गया, मेरा जहाँ पे भी आइकन पड़ा हुआ है उसको मैंने खोला और मैंने क्लिक कर दिया। जैसे ही मैं ओपन करूंगा देखो ऊपर से एक शीट थी, दूसरी शीट भी आ गई,
ठीक है। तो दूसरी शीट में क्या आ गया, आपका लोगो आ गया। अब इसकी आपको रिसाइज करनी है, मेरे को फ्रेम साइज ये नहीं चाहिए, कोई मैंने जो आपको रिक्वायरमेंट दी है वो साइज चाहिए। तो आप क्या करोगे इसमें, कंट्रोल एन, कंट्रोल एन करने से क्या हुआ, आपको साइज खुल गई। अब मैंने आपको साइज क्या दी थी, 4000 बाई 4000 या 5000 बाई 5000, तो आप 5000 बाई 5000 करोगे इसको, और 300 करोगे, आरजीबी करोगे, वाइट करोगे, क्रिएट पे क्लिक करोगे, ये न्यू क्रिएट हो गया है। कंट्रोल एन करने से क्या हो रहा है, न्यू क्रिएट हो रहा है, लेकिन हमें रिसाइज करना है इसी फॉर्मेट को, इस इंडिविजुअल फॉर्मेट को। तो हम क्या जाएंगे, इमेज पे जाएंगे, इमेज साइज पे जाएंगे। इमेज साइज पे जाने पे क्या होगा, ये जो फॉर्मेट है इसकी इमेज साइज बता रहा है, ठीक है, इसको हमें चेंज करना है। तो देखो यहाँ पे भी मर्ज का एक ऑप्शन आ रहा है ना, जैसा मर्ज का ऑप्शन हमें यहाँ ऊपर टूल बार में आ रहा था, सेम आ रहा है। आप इसको क्लिक करेंगे, इसको अगर डिसलेक्ट किया, यहाँ पे आपने कर दिया 5000, ठीक है, और यहाँ पे आपने कर दिया 2000, तो क्या होगा, आप ओके करो, क्या हो गया, ये मेरे रेक्टेंगल फ्रेम में बन गया। रीजन क्यों, आपने उसकी वीड तो 5000 कर दी लेकिन हाइट 2000 ही रखी है, लेकिन उसको हमें सही करना है। तो क्या करना पड़ेगा, इमेज में जाना है वापस, एडिट इमेज में, और वापस मैं एग्जांपल के लिए 2000 कर लेता हूँ, ये ऐसा था। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे मर्ज करना है पहले। मर्ज करने पे क्या करेंगे, जब भी हम यहाँ पे कुछ भी लिखेंगे, 5000 लिखा बाई 5000, अभी पहले हमें डिसलेक्ट करना पड़ेगा इसको, पहले हम करेंगे इसको 2000 और इसको कर लेंगे 2000। तो क्या करेंगे, अब मर्ज किया है ना, दोनों चीज एक साथ मर्ज होगी। ये वापस से एक बार कंट्रोल जेड करना पड़ेगा, कंट्रोल जेड कर लिया, हम आगे वापस से हमारी एक्चुअल पे 2000 बाई 2000 पे। अब जैसे ही मर्ज करेंगे, मर्ज करने के बाद ऊपर जैसे आपने 5000 लिखा, तो नीचे देखो नीचे भी ऑटोमेटिक 5000 है, तो ऊपर नीचे एक साथ ही करना पड़ेगा, एक ही बार में हो जाएगा। अब इसको करने के बाद जैसे ही मैं ओके करूंगा, तो आप देखो फाइल की साइज ऑटोमेटिक बड़ी हुई, अभी 1% क्या आ रहा है, 50% आ रहा है ना। तो 50% क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने 5000 पर 5000 में, अब फिट टू फ्रेम करेंगे तो अब कौन सी शॉर्टकट की यूज करेंगे, कंट्रोल के साथ 0, तो क्या होगा, वो फिट टू फ्रेम हो जाएगा। इसको जूम इन करना है तो क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस, है ना, जूम इन जूम आउट कैसे होगा, कंट्रोल प्लस कंट्रोल माइनस, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इसकी साइजेस चेंज करनी है इसी फॉर्मेट की। तो हम इमेज में जाके इमेज साइज में जाएंगे, मर्ज को हटाएंगे, मुझे चाहिए कि इसकी विड्थ जो है वो है ना 4000 होनी चाहिए, और हाइट मेरे को 2500 ही रखनी है। तो कस्टमाइजेशन चेंज करेंगे, ओके करेंगे, तो इसकी देखो साइज चेंज हो जाएगी। तो हमारी चॉइस से हम इसकी साइजेस बाद में भी चेंज कर सकते हैं, ओके। तो इस तरीके से ये चेंजेस करने, फिर हमें क्या करना है, अब ये क्या हो गया, ये राउंड जो है वो राउंड नहीं रह के एक साइड से विड्थ में ये क्या हो गया, श्रिंक हो गया है। तो हमें क्या करना है, इसको बिल्कुल राउंड शेप में करना है। कैसे करेंगे, कंट्रोल टी किया, इस लेयर को सेलेक्ट करेंगे, जिस भी लेयर पे काम करना है उसे सेलेक्ट करना है, कंट्रोल टी किया, कंट्रोल टी करने के बाद में हम इसे क्या करेंगे, नीचे करेंगे तो क्या हो रहा है, चारों तरफ से छोटा हो रहा है, लेकिन हमें क्या करना है, इसको राउंड शेप में कन्वर्ट करना है वापस। तो हम क्या करेंगे, शिफ्ट का बटन जब भी दबाएंगे, जिसे हमने पहले सीखा था कि शिफ्ट दबाएंगे तो ये क्या करेगा, सिर्फ टॉप से बॉटम ही उसको छोटा बड़ा करेगा, और अगर कॉर्नर से करना है शिफ्ट दबा के रखेंगे तो राइट से लेफ्ट ही ये छोटा बड़ा करेगा। तो हमें इसको क्या करना है, राउंड करना है। तो हम क्या करेंगे, शिफ्ट दबा के रखेंगे और इसको क्लिक करेंगे कि हमारा ये एग्जैक्ट राउंड हो जाए। तो हम इसे राउंड शेप में करेंगे हमारी चॉइस के हिसाब से और इसे सेंटर्ड करेंगे। तो अभी भी अगर थोड़ा हमें लग रहा है इसको, तो और शेप चेंज करेंगे। तो इससे हम क्या कर रहे हैं, इसको राउंड शेप में चेंज कर रहे हैं। अभी क्या था, ये कंट्रोल जेड करूंगा तो ये शेप था, लेकिन हमने उसको क्या किया, कंट्रोल टी करके शिफ्ट बटन प्रेस करके रखा है, फिर माउस की मदद से उसको थोड़ा नीचे किया है, तो ये क्या हो गया है, हमारा राउंड शेप हो गया, एंटर किया, डिसलेक्ट हो गया। तो इस तरीके से हम उसकी विड्थ, लेंथ, हाइट सब कुछ चेंज कर सकते हैं, कंट्रोल टी करने के बाद में शिफ्ट बटन प्रेस करके और उसके बाद में अप डाउन करके, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या सीखा है इसके अंदर, कि इस फ्रेम के अंदर साइज भी इसकी चेंज कर सकते हैं, विड्थ अगर ज्यादा है और हाइट कम रखनी है तो वो भी कर सकते हैं, और हमारा जो भी आइकन है या आर्टवर्क है या लोगो है उसकी भी हम विड्थ हाइट कैसे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के वीडियो में हमने ये सारा कवर किया है। थैंक यू।